उधर यूपी के अमरोहा में सावन महीने के आखिरी सोमवार से पहले दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे कांवड़ियों से भगवामय हो गया है। बड़ी संख्या में कांवड़िये गंगा जल लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंच रहे हैं और हाईवे पर चारों तरफ हर हर शंभू के जयकारे गूंज रहे हैं। डीजे की धुन पर थिरकते हुए कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं सावन के अंतिम सोमवार को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि हाईवे पर कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखकर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर दौड़ने वाले सभी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। अमरोहा से देखिए संवाददाता अरुण चहर की रिपोर्ट। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग नाचते गाते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था भी किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये व्यवस्था किस तरीके से है। सावन के आखिरी सोमवार से पहले अमरोहा का नेशनल हाईवे 9 पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है। तस्वीरों में आप अगर देखेंगे तो शिव भक्त ब्रजघाट से कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। तो ये जो पूरा नेशनल हाईवे है, अगर आप पीछे देखेंगे तो तमाम जो कांवड़ियों के जत्थे हैं वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं बड़े बड़े डीजों के साथ, और सोमवार को यानी कि सावन के आखिरी सोमवार पर जलाभिषेक करेंगे। और इसके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है तमाम जो व्यवस्थाएं भी की गई है, देखेंगे तो आप किस तरीके से भगवान शिव की जो सुंदर सुंदर जो झांकियां हैं वो युवाओं के द्वारा बनाई गई है, और उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु सैनी। कितनी उम्र है अभी? 19 साल हो। पहली बार लेकर आ रहे हैं क्या कमरा? अच्छा, तो क्या कैसी व्यवस्था है इस बार, कैसा लग रहा है? व्यवस्था सही है, बढ़िया लग रहा है। सावन तो इस बार काफी लंबा खिंच गया। हाँ, आठवीं सोमवार थे। हाँ, ऐसे में कैसा उत्साह है? बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? एकदम मस्त जी, बहुत अच्छी। देखिए, साफ तौर से सुना, बता दें प्रशासन भी पूरी तरीके से जो कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर अलर्ट है। दिल्ली लखनऊ हाईवे को पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है वो रोक दिया है, यानी कि जीरो ट्रैफिक कर रखा है, ताकि जो कांवड़िये हैं उनको आने जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस ना हो। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर किसी से भक्त की तबीयत स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको तुरंत जो है उपचार मिल सके। अरुण चहल, इंडिया न्यूज, अमरोहा।